नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फॉर्मेंस चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं अम्ब्रेला सिलाई मशीन का जो शटल है, ये इसको किस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं कि शटल चलने लायक है कि नहीं, और दोस्तों इसको कब बदली करना चाहिए और क्या इसको रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं, पूरा डिटेल में मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी चैनल पर आपको रिपेयरिंग के रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शटल का जो जांच पड़ताल का पूरा प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों शटल को चेक करने के लिए ये वाला जो एक्सल है बीच वाला, इसको आपको दो उंगली से इस प्रकार से पकड़ना है, और इसका जो पीछे वाला सिरा है जो हमारे सिलाई मशीन की एक्सल में फिट होता है, इसको दो उंगली से पकड़ना है और आपस में इस प्रकार से खींचेंगे आमने सामने। तो इसके अंदर जो प्ले है, जो इसमें चाल बन जाती है थोड़ा घिसावट के कारण से, क्योंकि शटल पूरा जो है इस प्रकार से रोटेट होता रहता है, तो इसका जो मटेरियल होता है वो कभी ना कभी लंबे टाइम पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत वियर होता रहता है, यानी कि घिस जाता है। तो उस समय क्या होता है, अगर ज़्यादा घिस चुका है तो आपको इसमें दोनों तरफ से खींचने पर आपको प्ले महसूस होगी, बिल्कुल एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें प्ले है। अगर आप नए शटल को देखेंगे तो इसमें बिल्कुल प्ले नहीं रहती है, सिर्फ एक घूमने की जितनी ही थोड़ी सी माइनोर प्ले होती है, मगर ऐसे खींचने पर आपको महसूस नहीं होती है कि इसमें प्ले है। मगर आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा ही प्ले है, और आप ऐसे करेंगे तो इसमें से साउंड भी सुनाई देगा। तो इस प्रकार से अगर साउंड करता है शटल कुछ ज़्यादा ही हद में, तो उस समय दोस्तों हमें क्या है कि शटल को चेंज करना होता है, और उस वक्त अच्छा यही रहेगा कि आप शटल को बदल लें। और अच्छी क्वालिटी का शटल आप लेने जाएंगे तो मार्केट में कम से कम 500 से 700 रुपये तक में मिल जाता है, मगर ज़्यादातर क्या होता है कि सभी जगह पर चाइना का शटल ज़्यादा मिलता है। तो चाइना का शटल भी अच्छा आता है, कम से कम वो भी आपको 6-7 महीना 8 महीना अगर आप लगातार सिलाई करते रहते फिर भी ये शटल चल जाता है। तो ये जो है वो भी चाइना का ही है, और ज़्यादातर मार्केट में आपको चाइना का ही शटल देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगला स्टेप ये था कि क्या इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। कभी कभार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि हम रहते हैं गाँव में और एक छोटे से पुर्जे के लिए हमें कम से कम 40-50 किलोमीटर, कभी कभी तो हमारा गांव जो होता है 60-70 किलोमीटर शहर से दूर होता है, और ऐसे जो पार्ट्स है शटल है और ऐसे सब जो पार्ट्स है वो गांव में कभी कभार मिलने मुश्किल हो जाते, ज़्यादातर तो मिलते ही नहीं है, और ऐसे पार्ट को आपको ख़रीदने के लिए शहर में ही जाना होता है। तो दोस्तों इसको हम घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, और रिपेयरिंग के बाद ये कम से कम 2-3 महीना या तो 4 महीने के टाइम चल भी जाता है। ऐसा नहीं कि इसका रिपेयरिंग सक्सेस नहीं, मगर ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हद में इसमें अगर प्ले हो चुकी है तो ये रिपेयर नहीं हो सकेगा। तो चलिए इसको किस प्रकार से रिपेयर कर रहा है ये भी मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों रिपेयरिंग करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रू यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये तीनों तीन स्क्रू को खोल के इस पट्टी को आपको निकाल लेना है, और इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक पट्टी ये भी है, तो इसके सारे स्क्रू ये वाला और यहाँ पर दो स्क्रू है, सारे स्क्रू आपको खोल लेने हैं। तो चलिए मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। तो ऐसा छोटा सा कोई पेचकस हो आपके पास, इसके जरिए इसको आपको इस प्रकार से खोल लेना है, और स्क्रू कहीं ये मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, और ये आपको संभाल कर रखना है। ऐसे तो सेम स्क्रू आते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, आप कौन सा भी कोई में भी लगा सकते हैं, मगर अगर ये समझ लो कि मिस हो गया तो आपको नया डालना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्रू आपको मार्केट में कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा।
और हो सके तो जो पुराने शटल है इसको आप संभाल के रखें, कभी भी रिपेयरिंग करने के लिए इसके स्क्रू है या से कोई प्लेट है ख़राब हो चुकी तो आप इसको वापस रिपेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये सब चीज़ मैं संभाल के रखता हूँ, थोड़े स्क्रू हार्ड होते हैं। इस प्रकार से सारे स्क्रू आपको खोल लेने हैं। और यहाँ पर दोस्तों हवा कुछ ज़्यादा चल रही है तो मेरे स्क्रू यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रोटेक्शन के पर ये ऐसे रख देता हूँ तो इसमें हवा नहीं लगेगी तो स्क्रू घूम नहीं होंगे। और ये पट्टी भी निकल चुकी है। और ऐसे ही जैसे आप इसको घुमाएंगे तो इसका एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका ये शटल जो है वो निकल जाएगा बाहर। ऐसे घुमाएंगे तो ये आप देख सकते हैं आसानी से बाहर आ चुका है। और इसके बाद दोस्तों इसको बिल्कुल अंदर से पहले तो हमें क्या करना है, कॉटन का कपड़ा लेके अच्छे से मार के साफ़ कर लेना है दोनों को, इसको भी और इसको भी। दोनों को अच्छे से साफ़ करने के बाद चाहे तो आप पेट्रोल से या मिट्टी के तेल से इसको साफ़ कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने शटर को क्लीन करने के लिए वीडियो डाल रखी है, पूरी दो पार्ट में आप देख सकते हैं। और पूरी एक नई वीडियो सीरीज भी हमारी चालू है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको रखता हूँ साइड में, इसको सिर्फ क्लीन करना है। और इसके बाद जो ये वाली पट्टी है इसमें ही हमें एडजस्ट करना होता है। तो चलिए इसको क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों शटल को रिपेयरिंग करने के लिए आपके पास लोहा का ऐसा कोई छोटा हो या बड़ा हो ऐसा चौड़सा चाहिए। ये तो क्या है कि वीडियो में आपको मैं साफ से दिखा सकूँ तो मैंने यहाँ पर छोटे चौरस का उपयोग किया है। और ये जो वाला हमारा शटल का सेक्शन है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोर बना हुआ है, इसी कोर को हमको इस प्रकार से ऐसे रखना है बिल्कुल ऐसे। और इसके बाद कोई भी आपके पास हथौड़ी हो इसको आपको पकड़ के इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर इसको मोड़ना है इस प्रकार से। ज़्यादा नहीं मोड़ना क्योंकि ये ज़्यादा इसको आप हैमर से करेंगे तो ये टूटने का डर भी रहता है। इस प्रकार से आप इसको पीटोगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा। और इसके बाद वापस जैसे ही हमें शटल में निकाला था ऐसे ही फिटिंग कर लेना है। शटल को वापस जोड़ने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रू यहाँ पर है और एक स्क्रू यहाँ पर है। वो दोनों स्क्रू के सेद के सामने ये वाला जो स्लॉट है इसको हमें बिल्कुल इसी प्रकार से मैच करके, आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार से मैच कर रहा हूँ, इसी प्रकार से मैच करके आप इसको अंदर डाल दे देंगे तो ये कंप्लीट बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट बैठ चुका है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वहाँ पर ही निकलेगा बाहर जैसे अभी मैं निकाल रहा हूँ। और वैसे ही हमें यहाँ पर इसको बिठाना है बिल्कुल इस प्रकार से, ये वाला जो स्क्रू का दो छेद है इसके सामने ये वाला जो स्लॉट है इसको लेके आना है और बिल्कुल इसी प्रकार से वापस बिठा देना है जैसे मैंने बिठाया है। एक बार और आप समझ लीजिए इस प्रकार से। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो प्लेट है इसको लगा देना है और इसको एक हाथ के पकड़ के इसके जो स्क्रू हमने बाहर निकाले थे इसको हमें वापस लगा देना है। और ज़्यादातर शटल में सेम ही स्क्रू होते हैं तो आपको स्क्रू में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी में सेम ही स्क्रू होते हैं।
हाँ वो हो सकता है कि स्क्रू बिल्कुल छोटा है तो आपको थोड़ा इसको पकड़ने में दिक्कत तो आ सकती है। और इस प्रकार से इसको फिटिंग कर लेना है। पहले ये लगा लेना है, आप चाहे तो तीनों तीन एक के बाद एक लगा सकते हैं, चाहे तो ये और ये भी लगा सकते हैं। कोई भी स्क्रू कोई भी जगह पे लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सेमी फिटिंग का प्रोसेस है, जैसे ही आपने निकाला था वैसे ही लगाना है। और ये मेरा डिसमिस थोड़ा छोटा है ना, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें, क्योंकि इसको पकड़ना थोड़ा स्क्रू को होल्ड करना छोटा है, इसीलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। और इस प्रकार से अच्छे से फिट करना है, जरा भी इसको लूज नहीं रहने देना है। और ऐसे भी छोटी चीज़ को पकड़ने में थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि बिल्कुल स्क्रू इतना छोटा है। तो ये हो चुका है कंप्लीट हमारा शटल। तो इस प्रकार से आप टेम्प्रेरी इसको रिपेयर कर सकते हैं। और इसको रिपेयरिंग के बाद अगर ये सही हो जाएगा, इसका जो गैप है सेटिंग, तो ये ज़्यादा समय चलेगा। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी साउंड नहीं है, थोड़ा सा माइनर साउंड तो रहता ही है, मगर इतना नहीं होता है। थोड़ा सा साउंड तो रहेगा, बिल्कुल आप फिट कर दोगे तो फिर चल ही नहीं पाएगा। और इसको आपको वैसे ही आमने सामने लगाना है। यहाँ पर भी दो छेद है और इसमें भी दो छेद है, तो आमने सामने जो इसका स्क्रू हमने यहाँ से निकाला है, वापस इसे मैं सेटिंग करके लगा देना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रू छोटा है, थोड़ा दिक्कत का सामना आपको करना हो सकता है, क्योंकि छोटा स्क्रू है तो बार बार घूम जाएगा। इस प्रकार से कस ले। और यहाँ पर दो स्क्रू है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। आप चाहे तो इसको भी लगा सकते हो और बीच वाले को भी लगा सकते हो। एक बार अच्छे से चेक कर ले। तो इस प्रकार से दो स्क्रू ये और दो ये, और ये तीन स्क्रू पट्टी के वापस लगा देने हैं। तो ये हो चुका है हमारा शटल बिल्कुल रेडी। इस प्रकार से आप इसको रिपेयरिंग करके कम से 2 से 4 महीना तक इसको चला सकते हैं। और डिपेंड आपके ऊपर रहता है, अगर इसमें आप टाइम टू टाइम इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते रहेंगे ना, तो इसको क्या है घिसने का चांसेस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर ऑयल करेंगे तो ये पार्ट है जो आमने सामने ऐसे चलेंगे, तो इसमें वियर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि सामने सामने मेटल से मेटल टकरा कर घूमती है तो ये वियर होती रहती है। तो इसमें आपको ऑयल जो है वो समय समय पर करते रहना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना सा ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।